दोस्तों मुझे बहुत सारे मैसेज आए हैं कौन सा मास्किना लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मास्किना यूज करते हैं बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पाता। आज के इस वीडियो में मैं उन सारे दोस्तों का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल किसी भी मास्किना यूज करते हो तो इसका डोजेस इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पर लिखा होता है, आप उसको फॉलो कीजिए। जो भी डोजेस ये लोग बताया है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन 50 केजी का नीचे वाले लोगों के लिए और जो लोग 2000 कैलोरीज लेते हैं उसके लिए। अगर आपको ये डोजेस लेने पर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपना बॉडी वेट इंटू 4, मतलब अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो 70 इंटू 4 कीजिए तो आपको 280 ग्राम मास्किना रोजाना लेना चाहिए। एक बार नहीं दोस्तों, इसको 2 या 3 टाइम डिवाइड करके लेना पड़ेगा। आप इसे सुबह शाम मतलब प्री वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट और रात को सोने से पहले ले सकते हो। एक बात और दोस्तों, आपको अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा और वर्कआउट भी जमकर करना पड़ेगा। कंपाउंड एक्सरसाइज आपके वर्कआउट कैजुअल में ऐड करना पड़ेगा। आपको इससे रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये मेरा दावा है। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो दोबारा इस चैनल पे आकर डिसलाइक ठोक दीजिए और काम किया तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों वेट गेन करने के लिए आप लोग डायनावल जैसे खतरनाक स्टेरॉइड का यूज कभी मत करना। अगर आपके ट्रेनर या किसी रामू काका ने आपको ये सजेस्ट करता है तो इसे खींच के एक दीजिए। इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में आप अपना बॉडी को मत खराब कीजिए। अब सब लोग मेरे अपने हो, आप लोगों से गुजारिश है ये सब खतरनाक स्टेरॉइड यूज मत कीजिए। और इसके रिलेटेड मैं 2 वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।